हेलो एवरीवन, आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं, आज मैं मोमो की रेसिपी लेकर आई हूं आप सभी के लिए। तो यहां देख सकते हो मैं टमाटर को वॉश कर रही हूं। जी हां, मोमो की जो चटनी होती है उसकी मैं तैयारी के लिए लगी हूं। तो यहां पे देख सकते हो जो टमाटर है उसे मैं गैस पे चढ़ा दी हूं। 3 टमाटर मैं ली हूँ चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टमाटर है वो बॉयल हो रहा है और पक भी गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी। जी हाँ, मैं कढ़ाई को चढ़ा दी और सरसों का तेल इसमें डाल दी हूँ। तो एक बार चेक कर ली, यहाँ देख सकते हो गार्लिक और रेड चिल्ली को मैं फ्राई करूँगी। तो ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देख सकते हो आप, ये जो मेरा गार्लिक है वो फ्राई हो गया है पूरी तरह से। और अब आप देख सकते हो मैं टमाटर को निकाल ली हूँ और यहाँ पे टमाटर को मैं छील रही हूँ, इसका छिलका उतार रही हूँ। तो 2 मैं छील ली थी और तीसरा मैं अभी छील रही हूँ। और साइड प्लेट में आप देख सकते हो गार्लिक और रेड चिली जो भी मैं फ्राई की हूँ वो है। तो अब मैं इसे जार में डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक जार में ही डाल रही हूँ, मैं सोची 3 एक ही साथ होगा, नहीं हुआ तो मैं 2 ही डाल के अब इसे ग्राइंड करूँगी। तो इसमें अदरक लहसुन जो था वो मैं डाल रही हूँ, देख सकते हो आप, और ऐसे करके फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। देख सकते हो मैं ढक्कन लगा देती हूँ और इसे मैं ग्राइंड करके आपको दिखा दी। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टमाटर है चटनी वो रेडी हो गया, मोमो का चटनी पूरी तरह से रेडी हो गया। मार्केट का कलर भी आ गया है, देख सकते हो मार्केट में आपको इसी कलर का देखने को मिलता है ना, मोमो की चटनी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। जी हाँ, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड की हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ले ली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैं अब मोमो के लिए डो बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं मैदा ली हूँ, मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था तो मैं कॉर्नफ्लावर नहीं ली हूँ। 3 ग्लास छोटे वाला ग्लास से मैं मैदा ली हूँ और इसको मैं अभी चालूंगी चलनी से। तो आप देख सकते हो मेरा तीसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा ग्लास। तो मैं अब इसे चालूंगी अच्छी से चाल के, उसके बाद अब मैं देखो मेरा जो आटा है मैदा वो चला गया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। जी हाँ, नमक ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, हम लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं। और इसके बाद चम्मच से ही नमक को जो है वो मैदा में पूरी तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो नमक है वो पूरी तरह से मैदा में मिल चुका है। और अब मैं इसमें गर्म पानी, जी हाँ गर्म पानी में ही मोमो का जो आटा होता है उसे गूँथा जाता है। तो मैं गर्म पानी में ही गूँथ रही हूँ, आप देख सकते हो भाफ निकल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली जो मेरा है मोमो का डो बनके रेडी है। और इसमें मैं रिफाइंड डाल के छोड़ दूँगी। रिफाइंड डाल के छोड़ने से होता है कि आपका जो आटा होता है वो सॉफ़्ट रहता है और मोमो के लिए सॉफ्ट आटा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप लास्ट में उसमें रिफाइंड डाल लगा के छोड़ दें। और उसके बाद अभी देखो मैं स्टफिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है, देख सकते हो हरा सब्जी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे लहसुन है, धनिया पत्ता है, प्याज है, और लहसुन है, ये हरा मिर्च है, और अदरक है, यहाँ पे गाजर है, बीन्स है, और ये कैबेज है। जी हाँ, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं था तो मैंने शिमला मिर्च नहीं ऐड किया है। तो अब देख रहे हो कि मैं अभी प्याज काट रही हूँ। जी हाँ, प्याज को मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। मेरा जो चॉपिंग का स्टाइल है, कमेंट्स करके ब्लॉग में लोग कहते हैं आपका प्याज काटने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए थैंक्स। और अब देखो मैं इसे यहाँ पे बीन्स भी काट रही हूँ, तो बीन्स को भी मैं अच्छी तरह से फाइन चॉप करूँगी। तो मेरा जो बीन्स है वो भी अच्छी तरह से चॉप हो रहा है। स्टफिंग के लिए जितना आप फाइन चॉप करो अच्छा रहता है और स्टफ भी अच्छा होता है। यहाँ पर देखो मैं लहसुन का पत्ता जो है उसे मैं काट रही हूँ।
और अब मैं यहाँ धनिया पत्ता, जी हाँ कोलियंडर लीफ, इसे मैं काटूंगी। देख सकते हो मेरा वो भी कट गया। अभी मैं यहाँ पे कैबेज काट रही हूँ, जी हाँ कैबेज को भी मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। बट बंधा गोभी, जिसे बंधा गोभी भी कहते हैं, कैबेज भी कहते हैं, तो ये ज़रूरी होता है मोमो में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं काट रही हूँ, कितना फाइन चॉप कर रही हूँ। आप भी अगर घर पे बनाना तो फाइन चॉप करना। फाइनली यहाँ देख सकते हो मेरा सारा सब्जी कट के रेडी हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हो बंधा गोभी है, प्याज है, अदरक लहसुन है, और ये सब अदरक लहसुन और हरा मिर्च को मैं कूट ली थी। और यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हो बॉल में मैं सारा सब्जी को रख रही हूँ और नमक डाल के अब मैं इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि नमक के डालने के बाद ये थोड़ा सा गल जाएगा और पानी इसमें छूट जाएगा। तो मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूँगी। देख सकते हो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच नमक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो नमक है वो ऐड हो चुका है, और चम्मच जैसे मैं यहाँ पे सेक कर रही हूँ, देख रहे हो गिर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन ये गल जाएगा तो देखना आप कितना कम रहेगा। मैं इसे ढकती हूँ और अब इसे आप देख सकते हो मैं खोल के दिखा रही हूँ ढक्कन उठा के। देखो अब गल गया है नमक, तो 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ढक के। तो गल गया देख सकते हो। अब इसमें से मैं पानी निकाल दूंगी हाथ से निचोड़ के, और उसके बाद मैं स्टफिंग आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं स्टफ कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें से पानी निकाल लेती हूँ। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो स्टफिंग के लिए है वो रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे लोइया काट रही हूँ, जी हाँ मोमो के लिए लोइया काट रही हूँ। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रोटी बेल रही हूँ मोमो के लिए। इसका जो रोटी होता है वो एकदम पतला होता है, और उसके बाद इसमें स्टफ किया जाता है। तो फिलहाल देख सकते हो मेरा गोल बन गया है, और यहाँ पे मैं स्टफ कर रही हूँ। स्टफ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से स्टफ़ होता है। और मैं मुझे 2 सेप आ गया है करना, तो मैं 2 सेप में ये एक पहला सेप है, देख सकते हो एकदम अच्छे से हो गया है। और अब मैं आपको राउंड वाला दिखाऊंगी, तो राउंड वाला भी मुझे, मैं अक्सर राउंड वाला ही बनाती हूँ, तो इस बार मैंने वो ट्राई किया था वो सेप, बट वो आ गया। देखो यहाँ पे मैं एकदम मार्केट में जैसा मिलता है उस सेप में बनाई। और यहाँ पे फाइनली मेरा जो स्टफिंग है वो कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो 1 या 2 है प्लेट में आप देख। फाइनली यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पर मेरा जो मोमो है वो स्टफ़ हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ आप देख सकते हो मैं हाथ में रिफाइन लगा के बर्तन में लगा रही हूँ ताकि वो चिपचिपा चिपके ना। और अब इसमें मैं मोमो सजा रही हूँ, देख सकते हो मैं मोमो एक एक करके इसमें सजाऊंगी, और उसके बाद मैं स्टीम होने के लिए रखूँगी। देख सकते हो मैं फ़िलहाल अभी वही कर रही हूँ, आप लोग भी करते होंगे। देख सकते हो अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं था स्टीमर, तो मैं ऐसे की हूँ, जुगाड़ लगाई हूँ इसको, आप जुगाड़ कह सकते हो। इंडिया में लोग जुगाड़ से ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ देख सकते हो मेरा मोमो, तो मैं इसे कठौती में पानी डाल के एक प्लेट में डाली नीचे, उसके बाद उसमें डाल के और थाली से ढक दी हूँ, और इसको 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं छुरी से चेक कर रही हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं मोमो बन के रेडी। फाइनली आप देख सकते हो मोमो जो है मेरा बन के रेडी हो गया है, स्टीम निकल रहा है, गर्मा गर्म मोमो है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे देखो मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एक बार ज़रूर आप बना के इस तरह से देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा।